आज हम मंटो साहित्य में विभाजन की त्रासदी पर बात करेंगे इतिहास के सफा में विभाजन एक बहुत बड़ी त्रासदी है विभाजन की सानेहा भारतीय राजनीति में ज्वालामुखी की तरह पैदा हुई बगैर शख्स कह सकते हैं कि तकसीम के दौरान सदियों से चलती आ रही सभ्यता और संस्कृति बुरी तरह से तितर बितर हो गई विभिन्न धर्मों संस्कृतियों के लोग अपना धर्म संप्रदाय संस्कृति आदि से बिछुड़ने लगे ये बहुत बड़ा नरसंहार था इससे मानव हमदर्दी को जलाकर राख कर दी गई दंगे फसाद होते रहे लूट मार चलती रही औरतों पर जबरन होते रहे इसमें कोई संदेह नहीं था कि बंटवारा एक चट्टान की तरह लोगों के सिर पर टूटा था और जब तक वे सांस ले पाते कुछ सोच पाते सब कुछ मूल्यवान सदियों से अर्जित एक राष्ट्र का जज्बा तहजीबी एकता जातीयता मानवीय संबंध सांप्रदायिक आग के लपटों में जल कर राख हो गए थे भाईचारे की बात करने वाले अब एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे मौजूदा दौर में ये विभाजन स्थूल तथा शारीरिक रूप में ही एक हादसा नहीं था बल्कि इंसानी सानहा थी यहाँ की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा था इंसान मनोवैज्ञानिक जहनीयत को खोते जा रहे थे उनकी उम्मीद टूट चुकी थी वे बेबस बेसहारा थे उन्हें बेघर और विस्थापित कर दिया गया था उनके मूल्य चेतना को छिन्न भिन्न कर दिया गया था बंटवारा केवल सियासी क्षेत्र या किसी वर्ग विशेष तक सीमित न रही लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी उनकी तहजीब व तमद्दन उनके वर्तमान और भविष्य उनके आचरण और व्यवहार से जुड़ गई और आज भी जुड़ी हुई है जो हमें झकझोरती है विचलित करती है आखिर देश का विभाजन हो ही गया उसके साथ अमानवीय कारनामों का न खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया विभाजन के समय और उसके बाद जो नरसंहार हो रहा था वो न केवल भारतीय इतिहास बल्कि आलमी अदब की एक मार्मिक करुण त्रासदी से युक्त कभी न भूलने वाली घटना है मंटो ने लिखा है हिंदुस्तान आज़ाद हो गया था पाकिस्तान अस्तित्व में आ गया था वो भी आज़ाद हो गया था लेकिन इंसान दोनों देशों में ग़ुलाम था सांप्रदायिकता का गुलाम धार्मिक पागलपन और जुनून का गुलाम पशुता और अत्याचार का गुलाम कौम एवं हंगामी हालात के नाम पर दिन दहाड़े एक धर्म के लोगों ने दूसरे धर्म के लोगों का कत्ल किया दोनों देशों में मजहबी पागलपन सभी के सिर पर सवार था स्त्रियों का अपहरण होने लगा बलात्कार की घटनाएं घटने लगी बंटो अपनी खुदा की कसम कहानी में लिखते हैं उनको सैकड़ों मुश्किलों का सामना करना पड़ता था हजारों बखेड़े थे जो उन्हें उठाने पड़ते थे क्योंकि जिन्होंने औरतें और लड़कियां उठाई थी सीमा पार थी आज इधर कल उधर अभी इस मोहल्ले में अभी उस मोहल्ले में और फिर आसपास के आदमी भी उनकी मदद नहीं करते थे स्त्रियों को इतना बेसहारा समझ लिया था कि हर कोई उसको लूटना चाहता है कई स्त्रियाँ बेघर हो चुकी थी भारतीय कहानियों में विभाजन को गहराई से परखने की कोशिश की गई है ऐसी कुछ कहानियाँ हैं जिनका जिक्र मैं करना चाहता हूँ विभाजन के बाद हमारी सभ्यता और संस्कृति हमसे बिछुड़ती गई ये सभ्यता और संस्कृति तार तार हो गई इसे मदद अली सिंधी की कहानी नई भोर की आस में मार्मिक तथा कलात्मक ढंग से उभारा गया है अपनों से अपने को जुदा होने का गम विभाजन पूर्व संदर्भ तथा विभाजन के बाद की पीड़ा आदि छोटी सी छोटी घटना को भी कहानी के फलक में ला खड़ा किया है इंसान के बनाए मजहब ने उन्होंने ही इंसानी खून पी लिया इंसान के साथ साथ संस्कृति संस्कार आचरणों सभ्यताओं भाषाओं तथा साहित्यकारों को भी खत्म करता गया विभाजन ने संस्कृति का खात्मा कर दिया पाल की कहानी पन्हगाव में साधारण लोगों की दुखती कश्ती जिंदगी के बीच से वतन और विरासत के प्रश्नों को उठाया गया है कृष्णा सोबती की कहानी सिक्का बदल गया में विभाजन से उत्पन्न इंसानी ताल्लुकात और मूल्यों के विघटन में प्रतिफलित होती दिखाई देती है दूर दूर तक फैली ज़मीनें, मीलों दूर तक फैले खेत सब कुछ शाहनी का है परंतु तकसीम ने सारी चीज़ों का और स्थितियों के पसमंजर बदल दिए राजनीति के कुचक्र में आम जनता फंस गई वो सांप्रदायिक राजनीति का शिकार होता गया हर जगह हिंसा और अराजकता फैलने लगी कौफ संतरास बुनियाद परस्ती उदित होने लगी उस दौर से जो भी गुजरे उनके लिए बंटवारा एक उद्वेलनकारी खोलता हुआ एहसास है जिसे हम मंटो के अदब में देख सकते हैं विभाजन हमें बाह्य एवं आंतरिक स्थिति की विसंगति और विद्रूप का हिस्सा बना हुआ लगता है और सांप्रदायिकता तथा राष्ट्रवाद पर पुनर्विचार करने के लिए ही नहीं प्रेरित भी करता है विभाजन को लेकर भारतीय भाषाओं में कहानियाँ लिखी गई हैं उसमें से ज़्यादातर ऐसी हैं जिनमें गांधी जी के विचारों का निरूपण हुआ है कम कहानियाँ ऐसी हैं जिनमें गांधी जी के विचारों को लांघने की दृष्टि नज़र आती है मंटो की कहानियों में इसको हम देख सकते हैं मंटो की कहानी टोबा टोबाटेक्स्यू ऊपरी तौर पर एक पागल की कहानी लगती है परंतु एक पागल गांधी के विचारों को व्यक्त करता है गांधी कहते रहे कि बंटवारा उसकी लाश पर बनेगा जो मजहब के आधार पर देश को दो टुकड़ों में बांटता देखते रहे और कुछ न कर पाए इन हालातों में कोई आम आदमी भी पागल हो जाता है टोबा टेक्स्यू कहानी के जरिए दो राष्ट्रों के सिद्धांत सांप्रदायिकता, बंटवारा हिंदुस्तान पाकिस्तान के सरहदें आदि का उल्लेख किया गया है विभाजन की प्रक्रिया उतनी सीधी और सरल नहीं है जितनी ऊपर से दिखाई पड़ती है विभिन्न घटनाएं, संप्रदायों संघर्ष आदि का समावेश इसमें रहता है हर तरफ रक्तपात आगजनी और लूटमार की भयावह दृश्यावली ही देखने में आती है राजनीति द्वारा संचालित इन दंगों ने जिस सांस्कृतिक और मानवीय संकटों को उत्पन्न किया उसकी पीड़ा सिर्फ मानव ही नहीं कुदरत भी झलती रही मंटो के अदब में इस पीड़ा वेदना को हम पाते हैं विभाजन की घटना किस प्रकार मानव को तनाग्रस्त करके उसकी ईजाद को घेर लेती है मानवीय व्यवहारों को किस हद तक मुतासर करती है आदि को लेकर उन्होंने अपनी कहानियों में बयान किया है खोल दो कहानी में तकसीम के क्रूर परिणाम को उनके मानसिकता को मार्मिक ढंग से चित्रित किया है सुबह दस बजे कैंप की ठंडी ज़मीन पर जब सिराजुद्दीन ने आँख आंखें खोली और अपने चारों तरफ मर्दों और बच्चों का उमड़ता समुंदर देखा तो उसके सोचने समझने की ताकत और भी कमज़ोर हो गई और वो देर तक गदले आसमान को टकटकी नजरों से देखता रहा यूं तो कैंप में हर तरफ शोर मचा हुआ था लेकिन बूढ़े सिराजुद्दीन के कान जैसे बंद थे उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था कोई उसे देखता तो यही ख्याल करता कि वो किसी गहरी चिंता में है मगर उसके होशो हवाश गायब थे उसका सारा वजूद बेमाने हो गए थे बूढ़ा सराजुद्दीन अपनी इकलौती जवान बेटी सकीना को ढूंढता मारा मारा फिर रहा है उसके दिमाग में कई दृश्य उभर आते हैं लूट आग भागम भाग स्टेशन गालियाँ रात और सकीना वो दिन रात उसको तलाश कर रहा था आखिर उसे सकेना मिली तो भी अस्पताल में डॉक्टर ने सिराजुद्दीन को खिड़की खोल दो कहते हैं सकेना के उस मुर्दे जिस्म में जान आई वो बेजान हाथों से इजारबंद खोला और शलवार नीचे सरका दी बूढ़ा सिराजुद्दीन खुशी से चिल्लाया जिंदा है मेरी बेटी जिंदा है डॉक्टर सिर से पैर तक पसीने से भीग चुका था डॉक्टर की साधारण सी बात की जो प्रतिक्रिया सकीना पर हुई वो उसकी अकथनीय यात्ना के इतिहास को अपने ही हम मजहब रजाकारों द्वारा बार बार बलात्कार किए जाने के तथ्य को एक ऐसे मार्मिक बिंदु पर तान देती है कि हमारे आचरण और व्यवहार की नंगई उघड़ आती है सिराजुद्दीन की अंतिम प्रतिक्रिया और डॉक्टर का सकीना की हरकत को देखकर पसीने में गर्क हो जाना बंटवारे से जुड़े स्वप्न और दुस्वप्न कृति और विकृति पर सार्थक टिप्पणियाँ हैं दंगों के दौरान परिस्थिति के बदलाव के साथ साथ जहनीयत में तब्दीली आ जाती है विभाजन से एक आंतरिक स्वर सुनाई पड़ती है विभाजन से निर्मित ऐसी आतंकपूर्ण परिस्थिति मंटो की सहाय कहानी में मिलती है साहित्य में विभाजन के संदर्भ में अगवा औरतों की समस्या उनकी वापसी के संदर्भ में पुरुषों की जटिल द्वंद्वपूर्ण मनस्थितियों बलात्कार के प्रसंगों और घटनाएं देखने को मिलते हैं विभाजन के बाद अपर्ण और बलात्कार के प्रसंगों में तथा उनसे पैदा हुई मानसिक विकृतियों को खुदा की कसम कहानी को पढ़ते हुए हम देख सकते हैं मैं उन बरामद की हुई लड़कियों व औरतों के बारे में सोचता तो मेरे मन में सिर्फ फूले हुए पेट उभरते इन पेटों का क्या होगा उनमें जो कुछ भरा है उसका मालिक कौन बने पाकिस्तान या हिंदुस्तान औरतों पर बलात्कार किया गया है और अब वे हामिला हो गई हैं तो मंटो सवाल करते हैं कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है हिंदुस्तान या पाकिस्तान इसकी जिम्मेदारी तो कोई भी नहीं लेता अपरुद्ध लड़कियों की समस्या विभाजन का एक तिलमिला देने वाला संदर्भ रहा है विभाजन के दिनों में खौफ दहशत मौत का एहसास व गैर इंसानी रवैया हर तरफ दिखाई देते थे विभाजन से मानव संबंधों में एक प्रकार का उखड़ापन व्याप्त होने लगा विभाजन ने साथ साथ रहने वाले एक ही सभ्यता संस्कृति में सांस लेने वाले हिंदुओं सिखों मुसलमानों में अदम एतमाद और दुश्मनी पैदा कर देती थी जिससे हमारी आस्थाओं विश्वासों और मूल्यों के आधार बुरी तरह हिलाने लगे थे मनुष्य अपने ही विरुद्ध करता इस तरह दिखने लगा था वो एक पल में बेहद कठोर एक पल में मानवीय और दूसरे पल में अमानवीय दिखने लगा था विपरीत दिशाओं में बहने के लिए बाधशाह था मंटों के लिए बंटवारा एक मौजू या सानहाल नहीं था मौजू और सानहाल से बढ़कर उसके लिए ये जीवित संदर्भ था सन 1875 के बाद की कौमी जिंदगी का एक मार्मिक अनुभव एल जख उनकी कहानियों में पनपने लगी ये एक बहुत बड़ा हादसा जरूर था लेकिन हादसे से कहीं बढ़कर ये उनके लिए एक निजी संकट की तरह था ये संकट बाहरी भी और भीतर भी पूरे अस्तित्व को चुनौती देने वाला जमीर की आवाज़ को झुलसाने वाला सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक संदर्भों को तार तार कर देने वाला पागल बना देने वाला मंटो ने पागल बना देने वाले इस संकट को जितनी तीव्रता से झेला उतना उस दौर का कोई और लेखक झेल पाया हो विभाजन को लेकर मंटो संपूर्ण रोह की गहराइयों में दाखिल हुआ है और विभाजन उनकी रोह में कील की तरह ठुका हुआ है जब हम टोबा टेक्स्यू कहानी को पढ़ते हैं तो हमारे दिलो दिमाग में ये आ रही जाता है कि टोबा टेक्स्यू विभिन्न संस्कृति को अपने में समेट कर राजनीतिक सत्ता के सामने खड़ा होता है मंटो का पूरा का पूरा रचना संसार आज विभाजन की विभीषिका का, का दस्तावेज़ है मंटो खुद एक ऐसा इंसान थे जो देश मजहब पात की सीमाओं को लांघने में ही खुशी मनाते थे उनके कथने और करने में कति कोई फासला नहीं था मंटो खुद के बारे में सादत हसन में लिखा है वो शब्दों के पीछे ऐसे भागता है जैसे कोई जंगली शिकारी तितलियों के पीछे वे उसके हाथ नहीं आती यही कारण है कि उसके लिखने में सुंदर शब्दों की कमी है वो लठमार है जितने लठ उसकी गर्दन पर पड़े हैं उसने बड़ी खुशी से सहन किए हैं मंटो ने एक खत कहानी में एक जगह लिखा है मुझे ये कितना बड़ा इतमान है कि मैं जो कुछ महसूस करता हूँ वही ज़ुबान से बयान करता हूँ संवेदना और अभिव्यक्ति कई ऐसी सच्चाई लापरवाही और एक तनाता बिरले लेखकों में होती है भाषा और शिल्प को तराशने और सजाने में उनकी दिलचस्पी नहीं होती रचना के भीतर दबावों से कहानियों की अंदरूनी सच्चाइयों से भाषा और शिल्प एक खास अंदाज में दमकने लगते हैं ऐसे लेखक लेखों पर नहीं चलते बंदी बंधाई विचार सरणियों का अनुसरण नहीं करते वे अपना रास्ता खुद बनाते हैं अपने अनुभवों और विचारों के बल पर बाहरी आधार और आश्रय उन्हें बेकार लगते हैं वे अनुभव और परिस्थिति को एक दूसरे में ढालते हुए दोनों को टकराव में नियोजित करते हुए कहानियाँ लिखते हैं ऐसे लेखक शुरू से आखिर तक अपने से संवाद और जिरह करते रहते हैं आत्मसंघर्ष आत्मालोचना के लंबे दौरों में गुजरते हैं मंटो की कहानियाँ इनकी गवाह देती हैं उर्दू कहानी के इस परिदृश्य में मंटो को रख कर देखेंगे तो हम पाएंगे कि प्रेमचंद के बाद मंटो उर्दू के सर्वाधिक महत्वपूर्ण चर्चित और विवादास्पद लेखक हैं संवेदनाओं और विचारों की दृष्टि से ही नहीं भाषा और शिल्प की दृष्टि से भी प्रेमचंद की परंपरा का अपना आकर्षण है मगर मंटो ने अपनी राह खुद बनाई है और उर्दू कहानी को नई दिशा दी है उनमें विषयों की विविधता ही नहीं है विषयों को रूप देने के उनके अंदाज में एक तरह का नयापन और मौलिकता है वे किसी विषय या समस्या को भर नहीं करते बड़े अनूठेपन से उसके भीतर प्रवेश कर जाते हैं जिससे उस वस्तु या समस्या के एक साथ कई शेड्स उभरने शुरू हो जाते हैं और वे उसकी बाहरी शक्ल के साथ साथ उसके भीतरी रूप को उद्घाटित कर देते हैं इस अखबार ने उन्हें अपने समय का ही नहीं आज के समय का भी एक बड़ा कहानीकार बना दिया है अपनी कहानियों द्वारा सनसनी पैदा करना उनका उद्देश्य नहीं है हालांकि अपनी बात को पाठकों तक पहुंचाने के लिए वे कई बार उन्हें बुरी तरह झकझोरते और शाक करने का रास्ता अपनाते हैं दरअसल एक तरह की शाक थेरेपी है जिससे वे पाठकों के मन में जमी बसी पूर्व धारणाओं को तोड़ते हैं नई तरह से उनके अंतर्मन में प्रवेश कर वहाँ खलबली मचा देते हैं और अनायास बदलाव पैदा करने में सफल हो जाते हैं मंटों ने सेक्स को बतौर सेक्स के पेश नहीं किया है सेक्स चरित्र और मनोविज्ञान को उनकी ढाढ़स मंत्र और बू कहानियों में अलगाया नहीं जा सकता वेशा जीवन से संबंधित मंटो की कहानियों में भी यौन प्रसंग आए हैं पर ये प्रसंग उस जीवन की विद्रुपता और असलियत को खोलते चलते हैं एक तरफ हतक कहानी की सुगंधी है तो दूसरी तरफ काली सलवार की सुल्ताना एक मम्मी कहानी की मम्मी तो दूसरी तरफ हारता चला गया कि गंगूबाई मंटो के दृष्टिकोण की सर्च लाइट में वेशा जीवन का हर कोना कुछ इस तरह प्रकाशित हुआ है कि वो सामूहिक मानवीय जिंदगी का एक अनिवार्य और त्रासद हिस्सा महसूस होने लगता है एक जगह उसने लिखा है कि शराब की तरह अफसाना लिखने की उसे लत पड़ी हुई है अफसाना न लिख पाने की सूरत में उसे महसूस होता है कि जैसे उसने कपड़े न पहने हुए हों या गुसल न किया हो या शराब न पी हो मंटो ने जो कालजयी कहानियाँ लिखी हैं उन्हें देखते हुए उसका ये मानना मैं अफसाना नहीं लिखता हकीकत यह है कि अफसाना मुझे लिखता है सही लगता है देखने की बात यह है कि यहाँ मंटो का अफसाना एक साथ है अहमियत अफसाने की ही, ही है इसमें शक नहीं कि उसने लगातार लिखते हुए अपनी प्रतिभा और कला कहानियों में निचोड़ दी है और कहानियों में जहाँ वो सृजन की बुलंदियों को छूता रहा वहीं औसत साधारण से दिखने वाली कहानियों में भी जिंदगी की सच्चाइयाँ गुंथता रहा और अफसानों में सृजनात्मक व्यक्तित्व के हर पहलु को उजागर करता रहा मंटो की विसंगतियों और अंतर्विरोधों को उनकी जिंदगी और साहित्य के रिश्तों को समझे बिना ये कहना बेमाने है कि वो जिंदगी भर पीता रहा और बेकायदा ज़िंदगी बसर करता रहा पीने और जीने और लिखने की उनकी परिस्थितियों को सिर्फ सतह पर देखते हुए नहीं समझा जा सकता उनकी ज़िंदगी की बाहरी भीतरी सच्चाइयों में दूर तक झांकते हुए वहाँ पहुँचा जा सकता है जहाँ जिंदगी और मौत एक ही सिक्के के दो पहलू नजर आने लगते हैं फैज अहमद फैज़ ने एलिस के नाम खत में इस तरह संकेत किया है बात यह है कि जब आर्थिक हालत की वजह से फन और ज़िंदगी एक दूसरे से टकरा रहे हों तो दोनों में से एक की कुर्बानी देनी पड़ती है कहानियों की ये दो सिलसिले जब मंटो रोज लिखते रहे उनकी कहानी कला के अंतिम दौर के हैं वे ताउम्र जिंदगी को कहानी में और कहानी को ज़िंदगी में ढूंढते रहे मंटो उर्दू के सर्वाधिक महत्वपूर्ण चर्चित और विवादास्पद लेखक हैं इस एक लेखक को लेकर जितनी चर्चाएं उठी हैं उतनी अन्य किसी लेखक को लेकर नहीं मंटो की खासियत यह है कि उसने नए विषयों पर ही नहीं लिखा नए अंदाजे बयां और नज़रिए से भी लिखा जिससे उसके साहित्य की एक अलग बानगी और पहचान सामने आई इस बानगी और पहचान में उन्हें अपने समय का ही नहीं आज के समय का भी एक बड़ा कहानीकार बना दिया है मंटो की कहानियां पाठकों की अंतश चेतना को बुरी तरह झकझोरने वाली तिलमिला देने वाली विचारों तक ले जाने वाली और गहरी बेचैन पैदा करने वाली हैं पर वो बेचैनी महज व्यक्तिगत नहीं मुल्क और कौम की बेचैनी से जुड़ी हुई है मंटो ने एक जगह लिखा है अदब दर्जा हरारत है अपने मुल्क का अपनी कौम का वो उसकी स्वाहत और बीमारी की खबर देते हैं अपने खास अंदाज में उसकी बेचैनी कहानियों के मार्फ़त पाठकों तक सीधे पहुंचती हैं और विवल हो जाते हैं मंटो की कहानियों में ये बेचैनी अस्मिता के संकट के विभिन्न रूपों में मुखर हुई है मंटो ने जो कुछ लिखा है उसे पूरी तरह से जाना ही नहीं जिया भी है कृष्णा सोबती का कहना सही है मंटो का सरमाया कथ मुफ्त के माल की तरह सिर्फ यहाँ वहाँ से देख सुनकर ही हथियाया हुआ नहीं वो दरअसल टोह टोह के टंटना के देखा भाला हुआ पहले हाथ का माल है हक का कीमत अदा कर खरीदा हुआ है कोई भी जो इंसान की रूहों पर चढ़े गिलाफों को उतारेगा उधेड़ेगा दिल दिमाग पर तनी कनातों में झांकेगा उन्हें बाँध चढ़ा कर खींचेगा वो बदले में खुद भी झंझोड़ा जाएगा नाप लिया जाएगा मंटो के साथ ऐसा ही हुआ था कथ का जो सरमाया मंटो के पास था उसे उसने मेहनत से खुद कमाया था खतरों से भिड़कर जुटाया था और उसे फराक दिली से अपने लेखन के जरिए लुटाया भी था मंटो ने जिंदगी से जूझते और टकराते हुए अनुभव और विचार अर्जित किए थे उनके कथ्य में इसीलिए कोई दुर्बोधता नहीं है उनके पास सुंदर शब्दों की कमी बेशक हो उनकी भाषा में कथ्य को झलकाने की अद्भुत शक्ति है कहानी कहते हुए वे चाहे कहीं का कहीं पहुंच जाए उनकी आंख अपने कथ्य और संवेदना पर एकाग्र रहती मंटो इस शैली के उस्ताद हैं उनकी कहानियाँ औरत मर्द के रिश्तों से संबंधित हो या यौन व्यवहारों से विभाजन से संबंधित हो या सामाजिक विसंगतियों से मंटो की ये खास शैली हर जगह मिलेगी मंटो की कहानियों की खास शैली क्या है ये खास शैली महज लटका या युक्ति या अंदाजे बयाँ नहीं है इस शैली पर मंटो के समूचे रचना व्यक्तित्व की अमिट छाप है ये शैली है चीज़ों की परतों को चीरते हुए पर्दों को हटाते हुए इंसानों को उघाड़ते हुए सीधे सीधे सच्चाई तक पहुँचने की और उसे स्पष्ट दो टूक बेबाक ढंग से अभिव्यक्त करने की एक करीबी और दबंग दोस्त की तरह मंटो स्थितियों घटनाओं और पात्रों के भीतर इतने अनायास और तेजी से प्रवेश कर जाते हैं कि पाठक चकित रह जाते हैं या झटका महसूस करते हैं जिसे मंटो धचका कहते हैं ये धचका कहानियों के अंत में खास तौर पर महसूस होता है रचना व्यक्तित्व की गहरी अमिट छाप यहाँ देखी जा सकती है कहानियों में वे कोई नसीहत या निष्कर्ष कभी नहीं देते कहानी में उभर रहे संघर्ष या द्वंद्व का सरलीकरण या समाहार करने में भी उनकी दिलचस्पी नहीं है कहानियों के अंत में वे प्रचलित नैतिकता का निषेध करते हैं और पाठकीय प्रत्याशाओं को बुरी तरह झकझोरती है मंटो की कहानियां उनके आत्मद्वंद्व और आत्मसंघर्ष को प्रतिफलित करती हैं इनका एक धरातल पर वैयक्तिक मानसिकता है तो दूसरा सामाजिक राजनीतिक एक धरातल तक सीमित रह जाने वाली कहानियां उसे क्षेत्र की सच्चाई तो व्यक्त करती हैं लेकिन ऐसी कहानियाँ जिनमें एक धरातल दूसरे धरातल में खुला है यानी व्ययक्तिक मानसिक किस्म का अंतर्द्वंद और आत्मसंघर्ष सामाजिक राजनीतिक स्थितियों से जुड़ गया है या सामाजिक राजनीतिक किस्म का वैयक्तिक मानसिक द्वंद्वपूर्ण प्रक्रियाओं को झलकाने लगा है वहाँ कहानियाँ अनुभव की विशिष्टता और विश्वसनीयता से बांधती हैं दो कौमें एक खत दो गड्ढे नारा और खाली बोतलें खाली डिब्बे शीर्षक कहानियाँ वैयक्तिक सामाजिक और मानसिक राजनीतिक संदर्भों के तनाव की अभिव्यक्ति एक बड़े और संगत अनुभव के तौर पर करती हैं इसमें संदेह नहीं कि मंटो ने अपने समय के अन्य लेखकों की तरह अपनी कहानियों के पात्रों पर स्थितियों का विवेचन निरूपण करने के लिए मनोविज्ञान से लाभ उठाया है लेकिन उनकी कुछ कहानियाँ सीधे सीधे मनोवैज्ञानिक स्थितियों को लेकर लिखी गई हैं और उनके जरिए संबंधों के पल पल बदलते मनोविज्ञान को उजागर किया गया है मनोवैज्ञानिक स्थितियों और ग्रंथियों को पेश करने की उनकी शैली कहीं अमूर्त है कहीं मूर्त और कहीं व्यक्तियों के संबंधों में आश्चर्यजनक साहचर्य ढूंढने वाली इसी तरह मंत्र और टुटू कहानियों की रचना बच्चों के मनोविज्ञान को केंद्र में रख कर की गई है मंत्र कहानी में बच्चों की मानसिकता उसके मनोजगत की सच्चाइयों और कल्पनाओं को धीरे धीरे खोला और उघाड़ा गया है तो टुटू में टुटू की काल्पनिक उपस्थिति पति पत्नी के संबंधों को बनाती ढहाती हुई कहानी में शुरू से आखिर तक बनी रही है उनके पात्र प्रमुखता मध्यवर्ग और निचले तबके के हैं लेकिन जिस दुनिया को जिन्होंने अपनी कहानियों में किया है उस उसके हर कोने को रंग रेशे को उन्होंने गहराई और बारीकी से पेश किया है ये दुनिया मुख्य तौर पर दलालों वेशावों शराबियों बदमाशों भड़वों और गुंडों की दुनिया है जिनके मंटों ने एक्सरे रिपोर्ट दी है अपनी ज़्यादातर कहानियों में पीड़ित दलित उपेक्षित और लांछित वर्ग के लोगों को उन्होंने पूरी आत्मीयता से इन कहानियों में उठाए हैं उन्होंने इन पात्रों को पूरी मानवीयता से मानवीय कमजोरियों और क्षमताओं सहित चित्रित किया है इन कहानियों में गहरी मानवीय दृष्टि के साथ साथ तीव्र आक्रोश और प्रतिकार है इनमें एक और स्वप्न है और दूसरी ओर दुस्वप्न है मंटो दोनों से अपनी कहानियों को बुनते हैं और कहानी कला का उत्कर्ष रचते हैं मंटो की कुछ कहानियों की बानगी और पहचान अलग ढंग की है उदाहरण के तौर पर शहदोले का चूहा और शहीद साज कहानियाँ देखी जा सकती हैं शहदोले का चूहा कहानी का विन्यास जहाँ फैंटेसी का है वहीं शहीद साज कहानी का पैटर्न व्यंग्यात्मक है शहदोले का चूहा कहानी अंधविश्वासों से ग्रस्त मानसिकता उसे उभरने के मानवीय प्रयत्न और उसकी करुणा त्रासदी परिणति को पाठकों के सामने उभारती है सलीमा का अपना गुलगुथना सबेटा जिसके दाहिने गाल पर तिल था शहदोले साहब के मजार पर उनके सेवकों को देना पड़ा था बाद में अपने बेटे को शहदोले के चूहे के रूप में रूपांतरित हुआ देकर उसका हृदय टिसने लगता है स्नेह करुणा और फिर अंतहीन वेदना में सलीमा अपने अस्तित्व का अर्थ खो बैठती हैं सामान्य कथा को शहदौल के चूहे की फैंटेसी विभिन्न आयामों में रूपायित कर देती है इसी तरह साज कहानी शैली शिल्प की दृष्टि से अपनी व्यंग्यात्मक विधान और तेवर की वजह से मंटो की कहानियों में अलग से पहचानी जा सकती है इस प्रकार भारतीय इतिहास में विभाजन एक त्रासदी है विभाजन ने एक साथ रहने वाले एक ही सभ्यता संस्कृति में सांस लेने वाले हिंदुओं सिखों मुसलमानों में अविश्वास और दुश्मनी पैदा कर दी थी इसका रूप आज भी देखने के लिए मिलता है लेकिन नए सिरे से आज भी विभाजन के लिए दंगे फसाद होते रहे हैं जैसे कश्मीर में हो रहे हिंसा आतिशबाजियाँ आदि आज के इस सबक में हमने देखा मंटो साहब ने जिस तरह कहानियाँ लिखी हैं उन्होंने अपनी कहानियों में दोनों देशों के लोगों की त्रासदी को देशों के लोगों के कष्ट को उनकी समस्याओं का उन्होंने चित्रण किया है देश विभाजन से संबंधित मानवीय संबंधों में जो दरारें पड़ी थी उनका भी हमने जिक्र देखा उस उनके साथ साथ अन्य कहानीकारों ने जो भी कहानियाँ लिखी है उनको भी आपने देखा आप आगे अध्ययन करने चाहेंगे देश के विभाजन को लेकर नरेंद्र मोहन जी के संपादकत्व में जो किताबें आई हैं देश के विभाजन को लेकर कृपया उनको आप पढ़ने का कष्ट करें आदाब